दोस्तों अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज चौहान को लेकर अब चर्चाएं तेज हो गई है, क्योंकि हाल ही में अक्षय कुमार और इस फिल्म की होने वाली हीरोइन मनुषी चिल्लर ने जो है इस फिल्म को लेकर लुक टेस्ट दिया है। लुक टेस्ट फाइनल हो चुका है और दोनों के लुक्स फाइनल हो गए हैं। वहीं फिल्म के अंदर आपको विलन के किरदार में संजय दत्त भी नजर आने वाले हैं। जहाँ अक्षय कुमार पृथ्वीराज चौहान के किरदार में नजर आएंगे, वहीं आपको मनुषी चिल्लर जो है वो संयोगिता के किरदार में नजर आने वाली है और ये दोनों एक दूसरे का लव इंटरेस्ट प्ले करने वाले हैं। फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित रहने वाली है क्योंकि एक पीरियड ड्रामा फिल्म होने वाली है और अक्षय कुमार के करियर की पहली पीरियड ड्रामा फिल्म होगी, तो इसे लेकर अक्षय कुमार बेहद ही ज़्यादा एक्साइटेड है। एक इंटरव्यू के दौरान भी अक्षय कुमार ने कहा था कि वो पृथ्वीराज चौहान जैसी फिल्म काफ़ी समय से करना चाहते थे, क्योंकि अभी तक उन्होंने हर जेनर के अंदर अपना हाथ आजमाया लेकिन पीरियडिक ड्रामा के अंदर वो कभी नजर नहीं आए और अब पहली बार अक्षय कुमार पीरियडिक ड्रामा के अंदर नजर आने वाले हैं। पृथ्वीराज चौहान को लेकर दोस्तों आपके क्या विचार हैं और क्या अक्षय कुमार की जोड़ी मनुषी चिल्लर के साथ अच्छी लगेगी और क्या संजय दत्त विलन का किरदार अच्छे से निभा पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब आपके जहन में हैं तो हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही साथ सब्सक्राइब करें, देखो देखो जुड़े रहे हमारे साथ, क्योंकि यही मिलती है आपको बॉलीवुड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले।